नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं नैना। कोरोना का कहर पूरे विश्व में लगातार जारी है और इसको देखते हुए पटना के नगर निगम ने एक पहल की है। पहल ये है कि जो सब्जी मंडी है, जितने भी पटना में सब्जी मंडी है, उसमें सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं पटना के राजेंद्र नगर सब्जी मंडी में, यहाँ पे सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया है। इसमें जो भी सब्जी खरीदने के लिए लोग एंट्री करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जो उनको सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, तभी आप सब्जी मंडी में प्रवेश कर सकते हैं। ये इसलिए बनाया गया कि जो लोग सामाजिक जो दूरियां नहीं बरत रहे थे, सावधानी बरत रहे थे, उनके लिए ये किया गया है, क्योंकि भीड़ से ही ज़्यादा खतरा हो है कोरोना को लेकर के, और इसी को लेकर के ये सख्त अपनाया गया है पटना नगर निगम के द्वारा। और पटना के लगातार सभी मंडियों में, चाहे वो मीठापुर हो या फिर रंटा घाट हो या फिर दीघा हो, हर जगह सब्जी मंडी में इस तरह के टनल बनाए जा रहे हैं, ताकि जो भी सब्जी खरीदने वाले लोग हैं, वो सब्जी मंडी में प्रवेश करने से पहले उनको सैनिटाइज किया जाएगा। और एंट्री करने का उसका रास्ता अलग से है और निकलने वाली रास्ता अलग से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इस मंडी में जो सावधानी नहीं बरत रहे थे, जो गोल घेरा बनाया गया था सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उसका लोग नियम का पालन नहीं कर रहे थे। और सब्जी दुकानदार भी का कहना था कि आप ये हम इन लोगों को कैसे बोलें कि आप सब्जी कहाँ खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हम इन लोगों को बोलते हैं करते हैं जी। नगर निगम के पहल को आप कितना आप अच्छा मान रहे हैं सर? बढ़िया अच्छा मान रहे हैं। अच्छा, तो आपने सुन लिया कि किस तरह से लोग भी समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि ये कोरोना को लेकर के किया गया है, डिस्टेंसिंग के लिए किया गया है, कि जो लोग अगर किसी तरह के उनके शरीर में कीटाणु हैं, वो सैनिटाइजिंग के द्वारा मर जाएंगे। आप जो नगर निगम इस तरह के जो काम किए हैं, पहल किए हैं, उससे आप खुश हैं? बहुत संतुष्ट हैं, ऐसा होना चाहिए, ये लोगों के सुरक्षा के लिए है जी। तो हर तरफ से लोग यही कह रहे हैं कि जो सरकार जो ये एहतियात कदम उठा रही है, वो बहुत ही सराहनीय लायक है। तो आप देखते रहिए इस तरह की खबर, और हम आपको और भी खबर दिखाते रहेंगे। इस समय बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।